अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी दादी, मेरी मम्मी की यादें, उनकी निशानियां सब दे दिए गए। तू देखना पूनम, इतने बेइज्जती के बाद तो वो लड़की इस घर में नहीं टिकेगी। अरे कपड़े फेंके हैं हमने उसके, अब वो इतनी समझदार तो है कि हमारा इशारा समझ जाए। नहीं माँ जी, जब तक निहार के पापा का हाथ इस लड़की के सिर पर है, ये कहीं नहीं जाएगी। फिर क्या करें हम? माँ जी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि जिन हाथों से ये अपनी बहू को आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हीं हाथों से धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालेंगे। रुचि, तुझे पता है ना ये मेरी शादी की साड़ी है। बचपन में ना इसे ओढ़कर खूब घर घर खेला करती थी तू। आज जब तू अपना घर बसाने जा रही है ना बेटा, इसे ले जा। चीज दुकानें छान कर तेरे लिए पीली साड़ी लाई हूं, अब खूब पहनना इसे, तुझ पर पीला रंग बहुत फबता है। ये ले। नाम के साथ साथ समाज में हमारी इज्जत और रुतबा भी है। बिल्कुल माँ जी, जो हमारी शख्सियत के साथ साथ हमारे कपड़ों में भी दिखना चाहिए। बेटा, अपने ससुराल में पहले दिन पर मैंने ये साड़ी पहनी थी, तू भी अपने पहले दिन पर यही साड़ी पहनना। हुँ? ये सिर्फ कपड़े नहीं है बेटा, मेरा और तेरी दादी का तेरे लिए आशीर्वाद है। मैं तो खाटू श्याम से यही प्रार्थना करती हूँ कि इन साड़ियों के रंगों की तरह तेरी शादीशुदा जिंदगी भी खूब रंगों से सज जाए। ले जाओ ये सब की सब साड़ियाँ, एक भी नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पर। हमारे घर की बहू बेटियाँ नहीं पहनती ये सब। अगर मॉम ने तुम्हारी साड़ियां दी है तो आई एम श्योर कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। शायद, पर वो साड़ियां मेरी मम्मी और दादी जी ने बहुत प्यार और आशीर्वाद से दी थी, इसलिए बुरा लग रहा है। ये लो और अपने लिए नई साड़ी खरीद लेना। नई साड़ियाँ मेरी अलमारी की जगह तो भर सकती है, लेकिन मम्मी और दादी की यादें नहीं। खैर, अब जो हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकती, इसलिए उसके बारे में सोचना बेकार है। Thank you.
ये क्या है माँ? हमारे गांव की झील के सिंघाड़े हैं। कल ही एक आदमी देकर गया। तो मैं इसे छील दूं या उबाल के खाएंगे आप, या इसका हलवा बना दूं? बेटा तुम इसका हलवा बनाओ या फिर इसे छील कर नमक लगा के खाओ, लेकिन जो भी करो अपने मायके में जाकर करो। अरे चौंक क्यों गए? तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ? परेशान मत हो बेटा, कैसे निकाल सकती हूँ मैं तुम्हें घर से? ओ, वो तो कल उषा जी को मैंने गुस्से में आकर इतना कुछ कह दिया, अब खुद ही बुरा लग रहा है मुझे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मायके जाओ, हमारी तरफ से ये सिंघाड़े उन्हें दो और समधन जी से कहना जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं। दोनों परिवारों के बीच में प्यार बना रहना चाहिए। बिल्कुल माँ, थैंक यू। और आपने इतना कह दिया वही काफी है। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल काफी नहीं है। अपनी माँ से मिलो, खुद जाकर उन्हें ये तसल्ली दो कि तुम बिल्कुल अच्छी हो और यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन माँ अभी कैसे जा सकती हूँ मैं? रितु भाभी भी नहीं है और खाना भी बनाना है। तो वो तो शाम को बनाना है ना बेटा। लेकिन माँ निहार जी को भी तो मेरी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है अभी तो निहार आराम कर रहा है ना, तो अभी कहाँ उसे तुम्हारी जरूरत है। झट से तुम बाहर आ जाओ, अब मैं ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाती हूँ। और हाँ बेटा एक बात और, निहार के पापा को ये बिल्कुल मत बताना कि मैंने तुम्हें मायके भेजा है। वो क्या है ना कि हम औरतें मायके का लगाव समझती हैं, लेकिन मर्दों को कहाँ समझ में आती है ये बात। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने तुम्हें उनसे बिना पूछे मायके भेज दिया है तो बहुत गुस्सा करेंगे। और इस वक्त मैं उन्हें स्ट्रेस नहीं दे सकती बेटा। अब मैं घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। आप प्लीज ये दवाई खाना मत भूलिएगा। आपको ये मेडिसिन कड़वी लगती है ना, इसलिए मैंने आपकी ये फेवरेट चॉकलेट्स भी साइड में रख दी है। थैंक यू। फाइनली कुछ देर इस लड़की से छुटकारा तो मिलेगा। अरे बस बस बस, खुश रहो। तूने जैसा कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही ड्राइवर को समझा दिया है। बिल्कुल ठीक किया माँ जी, बस अब आप देखती जाइए मैं कैसे इस रुचिता नाम की मुसीबत को इस घर से दूर करती हूँ। तुम्हारी सारी। एक मिनट, ये लो। थैंक यू माँ। जब किसी शुभ काम के लिए जाते हैं ना तो गाड़ी के आगे नींबू रखा जाता है,
ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे। अभी रुचिता यहाँ से चली गई है ना, तो देखना इस घर की सारी बुरी नजर उतर जाएगी। इस बात की भनक निहार के पापा को नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मम्मी, दादी, तू अचानक यहाँ? तेरे ससुराल वालों ने कल की बात से नाराज होके तुझे मायके भेज दिया? नहीं मम्मी, ये बात समझाया तुझे कि बेटी के ससुराल में दखल नहीं देते, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख नतीजा, कोई मेरी बात भी सुनेगा? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो। ये देखो, माँ ने आप दोनों के लिए ये सिंघाड़े भिजवाए और कहा है कि पुरानी बातें भूल के नई शुरुआत करते हैं। तो सच कह रही है, समधन जी को कोई शिकायत नहीं है? हाँ मम्मी, हाथी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। हाँ। एकदम सही समय पे आई है तू, तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है मैंने, आजा खाना खाते हैं। चल। काफी देर हो गई है, निहार जी को दवाई के लिए बोल देती हूँ। फोन कहाँ रख दिया मैंने? जल्दबाजी में शायद रूम में ही छोड़ दिया। वाह पूनम, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी सफाई से रुचिता का फोन निकाल पाओगी। पर्स भी गिरा दिया। ये लो। थैंक यू मैम। जितनी सफाई से मैंने उसका फोन निकाला है ना माँ जी, उतनी ही सफाई से उसे इस घर से भी निकाल दूंगी। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। रुचि, थोड़ी देर और बैठ जा बेटा। नहीं उषा, जाने दे उसे, संभालने दे अपनी गृहस्थी। हाँ मम्मी, जाने दो दीदी को, जीजू भी तो मिस कर रहे होंगे ना। कुछ भी बोलता है। गलत कहा बोला मैंने? अभी बताती हूँ क्या मैंने बोला। ऐसे रितिका, रितिका, अरे क्या नाम था इसका? इसे क्यों बुला रहा? ये खाटू श्याम जी महाराज। क्या हुआ माँ जी? रुचिता वहां से निकल चुकी है। इतनी जल्दी निकल गई? पर मैंने तो उसे आराम से आने के लिए कहा था। निहार के पापा भी अभी तक घर नहीं लौटे। कोई बात नहीं, मैंने ड्राइवर को अच्छी तरह से समझा दिया है कि उसको क्या करना है। सही टाइम पर निकल गई, 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी और खाना भी बन जाएगा। क्या हुआ भैया? शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं जाके देखता हूँ। अच्छा हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं मैडम, इंजन में कोई फॉल्ट आ गया है, 2-3 घंटे लग जाएंगे। 2-3 घंटे? जी मैडम। इतनी देर में तो घर में रात के खाने का टाइम हो जाएगा।
ड्राइवर ने अपना काम तो कर दिया। अब बस नरेश जल्दी से घर वापस आ जाए तो हमारा प्लान शुरू। आपको इस सुनसान रास्ते से लाने की क्या जरूरत थी? मैडम मुझे लगा कि हम ट्रैफिक से बच जाएंगे और घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। देखिए मैं 2-3 घंटे वेट नहीं कर सकती। आप अपना फोन दीजिए, मैं घर पे फोन करके दूसरी गाड़ी मंगा लेती हूँ। नेटवर्क ही नहीं है मैडम, मैं वही चेक कर रहा था। लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। मैडम आप कैसे सुनसान जंगल में जाके ले जा सकती हैं? मैं आगे से ऑटो देख लूंगी, लेकिन मेरा टाइम पे घर पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं मैडम सुनिए, तो क्या हुआ? रुचिता घर के लिए पैदल ही निकल आई है। क्या? हाँ फिर तो वो जल्दी घर पहुंच जाएगी। बहुत देर हो गई, जल्दी कर रुचि। ऑटो ऑटो भैया। उससे पहले नरेश आ गया। माँ जी मैं ना पीछे के रास्ते से बाहर जाती हूँ, आप यहाँ का संभाल लेना। ठीक है ठीक है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। और थोड़ा सा 1 मिनट। घर में कितनी शांति क्यों है? कहाँ गए सब लोग? पूनम माँ नीचे संभाल के उतर। अब यह किचन में क्या कर रही है? बेटा मैं अभी अभी आया, लेकिन आप यहाँ किचन में क्यों हैं? खाना बना रही। देखिए कितना हाफ रही है आप, आपकी शुगर भी हाई हो गई है। चलिए चलिए बाहर चलिए। आप अकेले किचन में क्या कर रही थी? घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? बेटा पूनम को जरूरी काम से पंडित जी के पास जाना था। प्रिया पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद जबरदस्ती रितु और प्रतीक को बाहर ले गई। अब तुझे नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं है ना, तो मैंने सोचा मैं ही बना लूं। और फिर निहार को दवा भी देनी थी, उसे भी टाइम से खाना चाहिए ना। हाँ माँ बैठिए। क्या हुआ माँ जी? क्या हो गया माँ जी आपको? ओहो अकेले किचन में काम कर रही थी। रुचिता अब तक वापस नहीं आई? मैं तो उसी के भरोसे घर छोड़कर मंदिर गई थी। रुचिता कहाँ गई है? चल मैंने कुछ पूछा आपसे पूनम, रुचिता कहाँ गई है? कल फोन वाली बात पर ना कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई थी रुचिता, इसीलिए मन हल्का करने गई है अपनी माँ के पास।
अब हमारे घर की दो बातें उनके साथ करेगी, वहाँ भी तो दादी है, दादी सास का क्या।